राधे राधे फ्रेंड्स, मैं नेहा अग्रवाल फ्रॉम नेहा एजुकेशंस, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैंने बनाई लड्डू गोपाल जी के लिए कॉटन की ड्रेस। पूरी कॉटन की पोशाक है ये। इसमें मैंने ना लेस का यूज़ किया है ना ही अस्तर का यूज़ किया है। गर्मी में पहनाने के लिए ये बेस्ट ड्रेस है ये, और बिना लेस और बिना अस्तर की ये पोशाक बहुत सुंदर बन कर आई है। इसमें मैंने प्लेट्स को इस तरह डाला है कि नीचे से कर्ली होकर आया है ये, जो पहनाने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने 3 नंबर की पोशाक बनाई है ये। कोई जो फर्स्ट टाइम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक बना रहा है वो भी इसे बना सकता है बहुत आराम से, बहुत आसानी से। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरी आने वाली सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये पोशाक कैसी लगी। थैंक यू। तो इस पोशाक बनाने के लिए सबसे पहले हमें कितना कपड़ा चाहिए वो देख लेते हैं। जो 3 नंबर की पोशाक बना रही हूँ, 3 नंबर के पोशाक के लिए हमें 6 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और 32 इंच लंबा कपड़ा लेना है। इस साइज़ की पोशाक बनानी है आपको, उसमें आपको चौड़ाई डबल रखनी है। 3 इंच चौड़ाई होती है कपड़े की 3 नंबर के पोशाक के लिए, तो मुझे उसकी 6 इंच चौड़ाई रखनी है। तो हमें जितनी भी चौड़ाई है उसका डबल साइज़ रखना है। तो सबसे पहले हम ये कॉटन कपड़ा है मेरा, कॉटन कपड़े की पोशाक बना रही हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है ऊपर। सिलाई लगाने से पहले हमें यहाँ पर ज़रा सा तिरछा करके सिलाई लगानी है इस तरह से। ज़रा सा कपड़े को हमें आगे पीछे रख के ऊपर सिलाई लगानी है, तभी हमारी नीचे बहुत अच्छी डिज़ाइन बनकर आएगी। तो जितना हम यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा ले रहे हैं, यहाँ पर हम लगभग 1/4 इंच हम इधर लेकर हम सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ इधर 1/4 इंच पर हम निशान लगा लेंगे इधर। तो ऐसे ही हमें इस साइड भी इधर 1/4 इंच बढ़ाकर लगानी है सिलाई। तो हमें इधर 1/4 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से तो हमारा निशान लग गया। अब हमें इस निशान को और इस निशान को मिलाते हुए ये जो निशान है हमारा, यहाँ पर सिलाई लगानी है इस तरह से रख के यहाँ पे। यहाँ जो सिलाई लगानी है हमें इस तरह सीधी लगानी है ताकि हमारे किनारी जो है बिल्कुल सीधी आए। देखिए इस तरह से। ऐसे ही हमें इधर भी सिलाई लगानी नहीं है। सिलाई लगाने के बाद ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर लेंगे दोनों साइड से। अब इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए सीधा हो गया। सीधा करने के बाद अब हमें यहां से 3 साइड यहां पर सिलाई लगानी है हमें। देखिए ऊपर भी सिलाई लग गई है। अब हमें इसमें प्लेट डालनी है। इस तरह से हमें प्लेट डालते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह से प्लेट में थोड़ी पास पास की डालनी है क्योंकि कमर बहुत छोटी आती है। देखिए इस तरह से हमारी ये खीर बनकर आएगा। इसके जितने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हैं, कॉटन का कपड़ा है इसलिए इसमें ये धागे बहुत निकल रहे हैं।
अब हमें इसमें नेफा बनाना है। इसका नेफे के लिए सबसे पहले हम इसके कमर का नाप ले लेंगे, कितना आ रहा है हमारा ये घेर, कितना आ रहा है ऊपर का। तो ये हमारी कमर का नाप आ रहा है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच मुझे ये घेर थोड़ा वो कमर थोड़ी बड़ी लग रही है, तो हम इस पर ऊपर एक सिलाई लगाकर इसी कमर को थोड़ा छोटा कर लेंगे। देखिए कैसे यहाँ से हमें इसको थोड़ा सिकोड़ते हुए सिलाई लगानी है, थोड़ा सा इसको इस तरह से। अगर हम इस तरह से सिकोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे, हल्की हल्की सी प्लेट देते हुए, तो इसकी कमर 1/2 इंच छोटी जाएगी। करते हुए ये डाल दीजिए, देखिए इसकी कितनी आगे लेंथ नाप लेते हैं इसके हम। अब इसकी 5.5 इंच आ गई, 1 इंच हमारी कम हो गई है। तो हमें 5.5 है तो 6.5 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी चाहिए। ये पट्टी ली है हमने, इसको हम इस तरह से यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। उल्टी साइड को हम इस तरह से रखकर यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ के इतना सा मोड़ने के लिए यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। पट्टी लगाने के बाद हमें इसको यहाँ पर मोड़कर इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगानी है। इससे पहले हमें यहाँ पर एक डोरी डालनी है, ये डोरी है, इसके नाप की हम ये डोरी काट लेंगे। डोरी लगाते हुए हमें सिलाई लगानी है, उससे पहले हमें ये दोनों किनारे बंद करने हैं। तरह से अब हमें इसमें डोरी लगाते हुए देखिए इस तरह से हमारा ये नीचे का घेर बनके तैयार हो गया है। अब हमें इसके ऊपर की चोली बनानी है। चोली के लिए हमने ये कपड़ा लिया है, इस कपड़े का साइज रखा है हमने 13 इंच लंबा है और ये 2.5 इंच चौड़ा है। सबसे पहले हमें इसमें इस तरह से करके यहाँ पर एक सिलाई लगानी है, यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। अभी सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हमें इसमें इधर तीनों साइड सिलाई लगानी है।
सिलाई लगाने के बाद हमें इसको इस तरह से रखना है, इस तरह से, और यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है थोड़ी सी, जितना हमें कम ठाकुर जी के आगे का पोर्शन जितना आएगा हमें वहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो साहब अपने पुरानी पोशाक को लेकर उससे अंदाज़ा कर लीजिए कि आगे का पोर्शन कितना आ रहा है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए। करने के बाद अब हमें इसका सेंटर पॉइंट सेंटर में निशान लगा के यहाँ पे इसको हमें यहाँ पर रख के सिलाई लगानी है इधर से ऐसे। इस तरह से आएगी चुन्नी हमारी। अगर आपको ये बड़ा लग रहा हो तो आप थोड़ा सा इसमें और सिलाई को थोड़ा सा कम करके लगा लीजिए। हम इसके तरह धागे वागे कट करके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं इसका। ये देखिए इस तरह से बनकर आई है पोशाक। इसके नीचे की जो फ्रिल आ रही है ना ये मुड़ी हुई, ये बहुत ही सुंदर लग रही है। पहनने के बाद ये पोशाक बहुत खूबसूरत लगेगी। अगर आपको ये पोशाक पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये पोशाक कैसी लगी। थैंक यू।